नमस्कार, अतुल्य संसार आपकी खबरों का संसार। ऐतिहासिक जैत सागर झील के नाले पर बरसों से अतिक्रमण हो रहा है। 40 फुट के नाले को कर दिया है 5 फुट का। बरसों से नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से दिनों दिन होता जा रहा है अतिक्रमण। अतिक्रमण नाले से सटी कई कॉलोनियाँ, कई बड़े अधिकारी के ऑफिस हैं, जो बरसात के मौसम में उफान आने पर नाले से इन कॉलोनियों में, ऑफिसों में पानी भर जाता है। नगर परिषद व प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हर वर्ष लाखों की जनधन की हानि होने पर भी प्रशासन व नगर परिषद कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कई बार जनप्रतिनिधियों और कई संगठनों द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी जा चुकी है, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो बारिश के दिनों में इसमें से पानी की निकासी होती है और यहाँ से होकर महावीर कॉलोनी, दर्शाजी का चौक होते हुए नैनवा रोड, बहादुर सिंह सर्किल तक ये पानी निकास होती है, निकलता है। लेकिन इस नाले की कंडीशन देखो, ये पहले नाला 40 फुट का करता था, अब ये मात्र 10 फुट का है। अतिक्रमण ने मकान बना लिए, बढ़ती गंदगी, नाला भरा हुआ है, गंदगी पूरी अंबार लगा हुआ है, इसकी नाले की सफाई नहीं हुई। 15 दिनों बाद बारिश आने वाली है। बारिश के बाद जो पानी आएगा ये जाम होगा, आगे बाढ़ के हालात बनेंगे। जहाँ पूरी बस्ती बनी हुई है वहाँ हो सकता है लोग डूब भी जाए, किसी की जान का नुकसान भी हो जाए। लेकिन नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। नाले की तुरंत प्रभाव से बारिश के पहले सफाई होना चाहिए। ये नाला वापस 40 फुट का होना चाहिए, जिससे कि लोगों को डूबने से बचाया जा सके, बाढ़ आने से बचाया जा सके। क्योंकि कम से कम 15 दिन तक पानी भरा रहता है, इसलिए सफाई होना जरूरी है। अतिक्रमण हटाकर नाले को चौड़ा किया जाए। आप अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।